हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि हरियाणा और पंजाब में किस तरह से किसान आंदोलन कर रहे हैं, और आपने देखा है किस तरह से इस पर राजनीति हो रही है। एक आपका लोकसभा में दो विधेयक पास हुए हैं, लोकसभा में कृषि को लेकर यानी कि किसानों को लेकर दो बिल पास हुए हैं। सबसे पहले तो यही बात याद रखिए कि बिल या विधेयक जब तक कि आपका इस पर मतलब राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिल जाती है, तब तक राज्यसभा में हो फिर चाहे लोकसभा में, इसे बिल ही कहते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, एक्ट यानी कि अधिनियम में बदल जाता है। देखिए वही है कि सरकार की अभी आप देख रहे हैं जो केंद्र में सरकार है, इसका पूर्ण बहुमत है। राज्य सरकार राज्यसभा में भी लगभग एक तरह से पास करवा लेता है, और लोकसभा में भी, लोकसभा में तो आप जान रहे हैं कि पूर्ण बहुमत है। तो देखिए इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि किसानों को आप लोग विश्वास ना जीतें उनका, वो कोई भी काम करते रहें। तो ये तो अंग्रेजों वाले समय की बात हो गई। आप खुद देखते थे कि साइमन कमीशन आया 1800 सॉरी 1927 में बना, 1928 में भारत पहुंचा, इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं किया गया था। यानी कि हम जिनकी जिंदगी का मतलब जिनकी जिंदगी में बदलाव करने जा रहे थे, उनकी जिंदगी को हम लोग उन लोगों को भरोसे में ही नहीं ले रहे हैं, तो उसका स्वाभाविक सी है बात विरोध होगा। तो अगर आप किसी के भरोसे को मतलब जीत कर अगर उस बिल को पास करवाते, हो सकता है कि इस बिल में कोई कमी नहीं हो, किसानों के हित में हो, लेकिन किसानों को कौन समझाएगा ये बात? आप समझाना भी तो आपका ही काम है। मीडिया देखिए, मीडिया किस तरह से तोड़ मरोड़ रही है हर किसी भी मुद्दे को लेगी। आप लोग, हमें खुद भरोसा नहीं होता है कि हम लोग क्या किस पर भरोसा करें, कौन सी मीडिया पर भरोसा करें, जो सरकार के विरोध में है या सरकार के पक्ष में है, क्योंकि वो अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर पक्ष वाली मीडिया को देखिए तो उसके आप लोग देख लेंगे तो ऐसे लगेगा किसानों के लिए सब कुछ है, और अगर विपक्ष वाली मीडिया को देखें हम लोग तो हमें लगेगा कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तो ये सरकार का काम होता है, लेकिन सरकार आजकल आप देख रहे हैं कि सरकार कहाँ है, क्या कर रही है, तो उससे आप भी वाकिफ हैं। हाल ही में लोकसभा में दो कृषि विधेयकों, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020 और मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता कृषि सेवा विधेयक 2020 को बहुमत से पारित कर दिया गया है। वैसे भी इनका बहुमत है इसलिए ये पारित कर देंगे, लेकिन आप मानिए या ना मानिए, लेकिन हमारे मोदी साहब अब वो मोदी साहब नहीं रहे जो सरकार में आए हुए थे, जो उनकी बातें हुआ करती थी। अभी भी आप लोग उठा के देखिए मन की बात को, देखिए उनकी उठा के उस समय की मन की बात को हम लोग तो देखिए, अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे तो आप सभी लोग तो उसी समय से फॉलो कर रहे होंगे जब से ये बात शुरू हुई होगी, समझ रहे हैं? तो उस समय इनकी बातों में वो नजरिया रहता था, वो एक तरह से मुद्दे रहते थे जो देश को आगे बढ़ाने वाले होते थे। आज आप देखिए आज किस तरह के मुद्दे शामिल किए जाते हैं। अभी 17 सितंबर को आपने देखा है, जितना उन्हें बधाई देने वाले मैसेज नहीं मिले हैं एक तरह से जन्मदिन की, उससे ज्यादा किसके मिले हैं, कई गुना उससे ज्यादा, बेरोजगार युवा दिवस के। तो आप समझिए मोदी को खुद बोलना चाहिए था इस पर, मुझे लगता है कि ठीक है गलती है जो मैं 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पा रहा हूं, या जिस भी क्षेत्र में। अभी आपने देखा है आरटीआई डाली थी किसी ने, जो पीएम फंड बनाया गया था कोरोना के समय, उसे भी रद्द कर दिया, कह दिया कि इसमें इसके अंडर नहीं आता है, यानी कि पब्लिक का पैसा है, आपको क्या प्रॉब्लम है? देखिए अगर आप साफ हैं तो मुझे ही नहीं लगता है कि आपको सफाई देने में कुछ प्रॉब्लम आएगी। वही कहते हैं ना कि मोबाइल में आप पासवर्ड इसलिए डालते हैं क्योंकि आपको लगता है कोई आपकी डाटा ना देख ले, कुछ पर्सनल डाटा है। अगर आपके डाटा नहीं है, आपकी मतलब खुले हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आप पासवर्ड कोई भी अगर मांगे तो दे सकते हैं ना, समझ रहे हैं? ये हालत है। तो आरटीआई मतलब आपने देखा है रद्द कर दी उसे, तो इस बात को तो मुझे भरोसा खुद नहीं होता है कि मुझे लगता था कि मोदी साहब अगर को बोल देना चाहिए कि इस तरह की कोई जानकारी मांगता है, अगर उनके बारे में भी मांगता है तो दे देनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री का वो एक तरह से चेहरा पेश है कि आप जानेंगे इन्होंने घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ दिया है। जब आपने देश के लिए छोड़ दिया है तो आपको देना चाहिए ना, कोई भी अब जनता को भरोसे में लेना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं अभी स्थिति वो बन चुकी है,
कांग्रेस थी, कांग्रेस अपनी मौत मर चुकी है, कांग्रेस ने जो किया उसका भुगतान कर रही है वो। हमें भरोसा नहीं था, आपको भरोसा नहीं था, इसीलिए तो आपने मोदी साहब को चुना था, बीजेपी को चुना, तभी तो आप लोगों ने चुना। अगर कांग्रेस में भरोसा होता या किसी दूसरी पार्टी में भरोसा होता, ठीक है, दिल्ली में भरोसा था अरविंद केजरीवाल पर तो उसे चुना गया, लेकिन केंद्र में तो आपको चुना गया, आप पर भरोसा था, लेकिन उसका कोई, आप देख रहे हैं किसान आंदोलन देख लीजिए, छात्र उठ, देखिए छात्र उठे हुए, उससे पहले आपने देखे 35 लाख, 35-40 लाख के करीब एक दिन आपने ट्वीट देखे गए, डेली हो रहे हैं, कुछ ना कुछ आपका चल ही रहा है, आप या तो डंडे बरसवा दे देते हैं और या आप लोग उनकी आवाज दबा देते हैं, या फिर आप कह दीजिए कि ये 1.5 से 2 करोड़ लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो एक तरह से रुष्ट हैं पूरी तरह से, नौकरी के लिए तो हजारों लाखों करोड़ों बैठे हुए हैं, ये तो वो हैं जिनमें दम है एक तरह से, वो कहते नहीं कि ये अपनी खुद लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके पीछे भी नौकरी वाले बैठे हुए हैं, वो नहीं लड़ना चाह रहे हैं अपनी लड़ाई, वो सामने खुल के नहीं आना चाह रहे हैं। अभी आप देखते हैं कि फॉर्म भरने के लिए आ जाए तो इनमें से 1000 बच्चे वो शामिल होंगे जो फॉर्म डालने में उस एग्जाम में बैठेंगे, तो अलग अलग एग्जामों के अलग अलग बच्चे आपके आंदोलन कर रहे हैं, तो मुझे तो भरोसा, देखिए मोदी साहब पे तो भरोसा नहीं रहता है, कि मोदी साहब, अगर वो मोदी साहब रहते तो सामने तो आते, कुछ ना कुछ तो बोलते। जब 20, आपने देखा है कि हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने बयान दिया चाइना पर, भरोसे लायक नहीं है, कि मतलब आप सोचिए कि मोदी साहब ये भाषण दे रहे हैं, ये बयान मोदी साहब दे रहे हैं, या फिर आप देखिए ट्रेन के नीचे आने के बाद कुछ मजदूरों की मौत हो गई थी अभी लॉकडाउन के समय, उसमें आपने देखा है कि वो चुप बैठे रहे, उन्होंने शायद नहीं, अगर मुझे लगता है कि वो एक, आपने भाषण उनका सुना होगा कि मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करे, तो उसमें आप जाके देखिए कि मतलब उसमें दर्द उनका रहता था, लेकिन आज पूरी तरह से, एक कहते हैं बड़ी अच्छी कहावत है कि वो राजगद्दी मिलने के बाद या पावर मिलने के बाद आदमी भूल जाता है सब कुछ, पावर आने के पहले कुछ और बात होती है, पावर मिलने के बाद सब कुछ एक तरह से उसका दिमाग खत्म हो जाता है। आप लोगों को लगता है कि गलत है तो आप लोग कभी उनकी जगह, किसानों की जगह देख के देखिए, अभी आपने देखा है कुछ दिन पहले और किसान आंदोलन हुआ था, उन्होंने, आपने देखा है कि कितनी बुरी बुरी स्थिति से उन्होंने क्या क्या नहीं किया उस आंदोलन में, आए दिन आप सुनते रहते हैं फांसी लगाई, यहाँ सुसाइड किया किसान ने, छात्र ने सुसाइड किया, उस परिवार की जगह अपने आप को रख के देखिए, उस किसान की जगह अपने परिवार को रख के देखिए क्या बीतती होगी, कोई खुशी से मौत को गले नहीं लगाता है दाऊ, यही मतलब हकीकत है, समझ रहे हैं आप लोग, और कभी आपको लगे कि गलत है मोदी सही साहब सही हैं ये सरकार या कांग्रेस, देखिए कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा, उसकी गलतियों की सजा हम सब भुगत रहे हैं अपन, क्योंकि अगर विपक्ष तगड़ा होता, विपक्ष मजबूत होता, विपक्ष हर मुद्दे को उठाता तो आज ये देश की हालत ना होती। आपने देखा एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया रोड पर चलते हुए लॉकडाउन के समय, उसके बाद जन्म देने के बाद वो दोबारा चलने लगती है, कहने का मतलब इतना सा है कि एक महिला बच्चे को जब जन्म देती है तो कहा जाता है कि उसका दूसरा जन्म होता है, इतनी पेन होती है, मतलब इतना दर्द होता है उसे, तो उनसे मैं मतलब जो जिन्हें लगता है कि सही चल रहा है कुछ नहीं है, तो उन्हें अपनी माँ को एक, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आपके परिवार में अगर किसी की डिलीवरी यानी कि कोई भी बच्चे को जन्म दे रही तो VIP हॉस्पिटल उपलब्ध हो, लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में इस तरह की गंदगी भरी हुई तो आप जाकर अपनी माँ को उस जगह रख के देखिए, आप फिर क्या सोचते हैं, या ट्रेन के नीचे आने वाले मजदूरों की जगह अपने बाप को, खुद को रख के देखिए, वो अपने बच्चों के बारे में सोचिए क्या गुजरी होगी उन बच्चों को, खुद कमाने वाले हैं आप लोग, तो इस तरह के सवाल है, मुझे लगता है कि आप लोग ठीक है, ये देखिए आपका सिविल सर्विस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन एक मानवता के नाते तो मुझे लगता है कि ये सवाल हमारे दिमाग में आते होंगे, एक इंसानियत के नाते, गौरत है कि लोकसभा, गौरतलब है कि लोकसभा में आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को पहले ही पारित किया जा चुका है,
अब इन तीनों विधेयकों को राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यसभा से पारित होने के बाद विधेयक कानून बन जाएंगे। ये विधेयक केंद्र सरकार द्वारा जून 2020 में कृषि में सुधार हेतु घोषित अध्यादेशों के उपरीति स्थापित करेंगे। एक तरह से और याद रखिए, अभी आपने देखा है जीडीपी मोह के भर नीचे गिर चुकी है, और उसमें कुछ इज्जत बचाई है तो हमारे किसानों भाइयों ने बचाई है, खेती ने हमारी बचा ली इज्जत, वरना हम लोग और बुरी तरह से मारे जाते। फिर भी आप देखिए किसान परेशान हो रहे बेचारे, जो अन्नदाता हैं वो भी आजकल सुसाइड करने पर हैं। और देखिए जिस देश में अन्नदाता, अगर हमारी अर्थव्यवस्था आप देख रहे हैं आधी से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, कई राज्यों में देखेंगे आप लोग कि 80% तक लोग कृषि पर निर्भर है। अगर वहां के किसानों की ये हालत रहेगी, मरने की नौबत आएगी, सुसाइड करने की, आत्महत्या करने की नौबत आएगी, तो इससे बड़ा मुझे लगता है कि देश में दुर्भाग्य कभी नहीं हो सकता। अंग्रेजों के समय हम लोग पहुंच चुके हैं, फिर तो समझ रहे हैं। कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020, इसकी बात करें तो वर्तमान में किसानों को अपनी उपज की बिक्री में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किसानों के लिए अधिसूचित कृषि उत्पाद विपणन समिति वाले वाले बाजार क्षेत्र के बाहर कृषि उपज की बिक्री पर कई तरह के प्रतिबंध थे, यानी कि कहने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कई तरह के प्रतिबंध रहते। किसानों को केवल राज्य सरकारों की पंजीकृत लाइसेंस धारियों को उपज बेचने की बाध्यता भी निर्धारित थी। साथ ही राज्य सरकारों द्वारा लागू विभिन्न एपीएमसी यानी कि कृषि उत्पाद विपणन समिति विधानों के कारण विभिन्न राज्यों के बीच कृषि उपज के मुक्ति प्रवाह में भी बाधाएं बनी हुई थी। इसका लाभ क्या होगा इस विधेयक का? इस विधेयक के माध्यम से एक नई पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना में सहायता मिलेगी, जहां किसानों और व्यापारियों को कृषि उपज की खरीद और बिक्री के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। अब सोचिए इस विधेयक के कई लाभ हैं हमारे पास, लेकिन आप देख रहे हैं कि सरकार समझाए तो, भरोसे में तो ले। जो ठीक है, विपक्ष काम क्या करता है, कई मीडिया वाले क्या करते हैं, कई एक तरह से हजार लोग इस तरह के मिल जाएंगे, किसानों के दिमाग को भड़का देते हैं। और आप जानते हैं किसान कितने मतलब सीधे साधे होते हैं, हमारे देश की जनता कितनी सीधी साधी है। आप दो चार वादे करिए, आप लोगों पर जान निछावर करने लगेगी। यह विधेयक राज्य कृषि उपज विपणन कानून के तहत अधिसूचित बाजारों के भौतिक परिचय के बाहर अवरोध मुक्त अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय और राज्य तारिक व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देता है। इस विधेयक के माध्यम से अधिशेष उपज वाले क्षेत्र के किसानों को अपनी उपज पर बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। साथ ही कम उपज वाले क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अनाज प्राप्त हो सकेगा। इस विधेयक में कृषि क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का भी प्रस्ताव किया गया है। इस अधिनियम के तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई उपकर या लगान नहीं लिया जाएगा। साथ ही इसके तहत किसानों के लिए एक अलग विवाद समाधान तंत्र की स्थापना का प्रावधान भी किया गया है। सरकार के अनुसार यह विधेयक भारत में एक देश एक कृषि व्यापार के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा। ठीक है, अब बात करें मूल आश्वासन पर किसान, इसमें आपने देखा है कितने फायदे हैं। बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020, भारतीय किसानों को छोटी जोत, मौसम पर निर्भरता, उत्पादन और बाजार की अनिश्चितता के कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन कमजोरियों के कारण आर्थिक दृष्टि से कृषि में बहुत अधिक जोखिम होता है। इस विधेयक के लाभ की बात करें यानी कि फायदे, तो यह विधेयक किसानों को बगैर किसी शोषण के भय के प्रसंस्करण कर्ताओं, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम बनाएगा। इसके माध्यम से किसान प्रत्यक्ष रूप से विपणन से जुड़े सकेंगे, जिससे मध्यस्थों की भूमिका समाप्त होगी और उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य भी प्राप्त हो सकेगा। इस विधेयक से कृषि उपज को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने हेतु आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण तथा कृषि अवसंरचना के विकास हेतु निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके माध्यम से किसानों की आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट्स तक पहुंच भी सुनिश्चित होगी। अब देखिए विरोध क्यों हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जून 2020 में कृषि संबंधी अध्यादेशों के जारी करने के बाद से ही
पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा इसका विरोध देखने को मिला। याद रखिए अध्यादेश का सीधा सा मतलब यह है कि अध्यादेश तब आता है जब कोई संसद का कोई भी सदन काम ना कर रहा हो, ना चल रहा हो, राष्ट्रपति उसे ले आते हैं, ठीक है। और याद रखिए वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में ही होती है, राष्ट्रपति आप देखते हैं नाम मात्र के काम करते हैं। आप जानते हैं कि जब एनडीए ने बनाया है रामनाथ कोविंद को, तो रामनाथ कोविंद किसके विरोध में थोड़ी जाएंगे, समझ रहे हैं। और मुझे एक सबसे बड़ा पता है दिमाग में ये सवाल जरूर आया है कि आप कहेंगे कि ये अध्यादेश आ रहे हैं, ये तो पूरे देश के लिए होंगे, लेकिन पंजाब और हरियाणा में किसानों का विरोध क्यों हो रहा है, ये मेरे में दिमाग में भी आया। तो याद रखिए पंजाब और हरियाणा के किसान वो किसान है जो जागरूक हैं, समझ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि दिल्ली में तो केजरीवाल को जिताया जनता ने और बाकी राज्यों में तो किसी पार्टी को जिता देते हैं, तो आप ये बात हमेशा याद रखिए क्योंकि दिल्ली की जनता जागरूक है, तो इसलिए उन्होंने सच का साथ दिया और काम के नाम पर वोट दिए। वहीं बिहार देख लीजिए, बिहार में चुनाव हो रहे हैं तो वहां कौन सी प्रॉब्लम नहीं है, बाढ़ की देख लीजिए, शिक्षा की ले लीजिए, स्वास्थ्य की ले लीजिए, किसानों की ले लीजिए, गरीबी की, महिलाओं की, ये मुद्दे हैं। इन मुद्दे पर चुनाव कभी नहीं होगा वहां, वहां हो जाएगा जाति पात, या फिर एक दो अभी मामले उठे सुशांत वाला, उस पर खत्म हो जाएगा पूरा। तो जागरूक जहां लोग ज्यादा जागरूक रहेंगे वहां आप देखेंगे उस तरह के चुनाव होंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया में सुना था आपने, ऑस्ट्रेलिया में चुनाव पूरे जलवायु को लेकर हुए, आप सोचिए जलवायु एक मुद्दा बनाया गया था, आप समझ सकते हैं। दो इसके विरोध में शिरोमणि अकाली दल से जुड़ी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरन कौर और बादल ने कौर बादल ने सरकार से अपना इस्तीफा दे दिया, ये आपकी मंत्री थी पहले, ठीक है। विरोध के कारणों की अगर बात करें, हालांकि ज्यादातर किसान तीनों विधेयकों का विरोध कर रहे हैं, परंतु उनकी सबसे बड़ी आपत्ति कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक के व्यापार क्षेत्र, व्यापारी विवाद समाधान और बाजार शुल्क से संबंधित प्रावधान। इसमें अगर हम व्यापार क्षेत्र की बात करें तो इस विधेयक की धारा 2M के अनुसार व्यापार क्षेत्र की परिभाषा कोई भी क्षेत्र या संस्थान उत्पादन, संग्रह और एकत्रीकरण का स्थान जिसमें फार्म गेट, कारखाना, परिसर, कोष्ठागार, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज या कोई अन्य संरचना या स्थान शामिल है जहां से किसानों की उपज का व्यापार भारत के क्षेत्र में किया जा सकता है। हालांकि इस परिभाषा में प्रत्येक राज्य एम सॉरी एपीएमसी अधिनियम के तहत गठित बाजार समितियों द्वारा संचालित और प्रबंधित परिसर बाड़ों और संरचनाओं जैसे प्रमुख बाजार यार्ड, उप बाजार यार्ड, मार्केट सब यार्ड और लाइसेंस धारक व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित निजी किसान उपभोक्ता बाजार यार्ड को शामिल नहीं किया गया, ये भी इसका एक विरोध है, जिसका अर्थ है कि एपीएमसी अधिनियम के तहत स्थापित मौजूदा मंडियों को नए कानून के तहत व्यापार क्षेत्र की परिभाषा से बाहर रखा गया है। विरोधकर्ताओं के अनुसार यह प्रावधान एपीएमसी मंडियों को उनकी भौतिक सीमाओं तक सीमित कर देगा और इससे बड़े कॉरपोरेट खरीदारों को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए आपने सुना होगा, कहा जा रहा है कि बड़े कॉरपोरेट जो खरीदार हैं उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की बात की जा रही है। 2006 में बिहार राज्य में एपीएमसी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था जिससे कृषि उपज के कारोबार में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी और किसानों को भारी क्षति हुई। आप समझ रहे हैं आप लोग, इसके कारण विरोध हो रहा है। दूसरा है व्यापारी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार पैन कार्ड धारक व्यापारी निर्धारित व्यापार क्षेत्र में किसानों की उपज खरीद सकता है। विधेयक के अनुसार एक व्यापारी एपीएमसी मंडी और व्यापार क्षेत्र दोनों में काम कर सकता है। हालांकि मंडी के व्यापार के लिए व्यापारी को राज्य एपीएमसी अधिनियम के तहत लाइसेंस पंजीकरण की आवश्यकता होगी। वर्तमान मंडी प्रणाली में आढ़तियों, कमीशन एजेंटों को मंडी में व्यापार करने का लाइसेंस प्राप्त करना होगा। विरोधकर्ताओं के अनुसार आढ़तियों की विश्वसनीयता अधिक है क्योंकि लाइसेंस की मंजूरी प्रक्रिया के दौरान वित्तीय स्थिति सत्यापित होती, परंतु नए कानून के तहत किसानों के लिए एक व्यापारी पर विश्वास करना कठिन होगा। कृषि विशेषज्ञों की अगर हम माने तो पंजाब और हरियाणा में आढ़तिया
आढ़तिया प्रणाली अधिक प्रभावशाली है और इन राज्यों में अधिक विरोध देखने को भी मिल रहा है। बाजार शुल्क की बात करें, तीसरा ये भी विरोध है। इस विधेयक की धारा 6 के तहत व्यापार के क्षेत्र के अंदर किसी भी राज्य एपीएमसी अधिनियम या अन्य राज्य कानून के अंतर्गत किसान या व्यापारी पर कोई भी बाजार शुल्क या उपकर या लेवी लागू करने की अनुमति नहीं है। इस प्रावधान से राज्य सरकार की आय में कमी आएगी और निजी क्षेत्र को लाभ होगा। उदाहरण के लिए वर्तमान में पंजाब में एपीएमसी में कर कमीशन पर दर 8.5% है, जो 2019-20 में पंजाब ने व्यापार शुल्क से राजस्व के रूप में 3600 यानी कि 3,600 करोड़ रुपए एकत्रित किए थे। कृषि उपज की बिक्री से कर या फिर शुल्क के रूप में उत्पन्न राजस्व का उपयोग राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कों और राज्य मंडियों के साथ संपर्क विकसित करने के लिए किया जाता है। विवाद निवारण तंत्र, इस विधेयक की धारा 8 के अनुसार किसान और व्यापारी के बीच लेन देन से उत्पन्न विवाद के मामले में वे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को एक आवेदन दाखिल करके सुलह कर सकते हैं। विरोधकर्ताओं के अनुसार यह अध्यादेश विवाद के मामलों में किसानों की दीवानी अदालत में जाने की अनुमति नहीं देता है और उन्हें भय है कि सुलह की प्रस्तावित प्रणाली का उनके खिलाफ दुरुपयोग किया जा सकता है। मान लीजिए कि आप लोग सोचिए कि आप कोई ऐसा नियम ला रहे हैं, कानून ला रहे हैं जो आपके गांव वालों को मंजूर नहीं है और आप समझ रहे हैं कि उससे फायदा होगा अगर गांव के लोगों को, तो एक आपका ये अधिकार है और एक तरह से आपका कर्तव्य है कि आप वहां जाकर उन्हें समझाएं। मतलब कहने का मतलब है कि किसानों की समस्याएं सुने, वो आखिर क्या कहना चाह रहे हैं, उनके भरोसे को बनाए रखें। जम्मू कश्मीर से 370 हटी, आपने देखा पूरा देश ने साथ दिया, लेकिन आप भी देख रहे हैं कि अभी भी वहां इस तरह की घटनाएं एक तरह से थम नहीं रही हैं, क्योंकि हमने क्या किया कि वहां की जो जनता थी उसके भरोसे को नहीं जीता। 370 हटना चाहिए, इसके विरोध में कोई नहीं है। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी बेवकूफी वाली बात है कि अगर किसी जनता देश की यानी कि हमारी सरकार का कोई फैसला का अगर विरोध करता है तो आप कहें देश का विरोध कर रहे हैं या आप कहें कि सेना का विरोध कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेना के प्रति मुझे लगता है कि सबकी वफादारी है, सेना पर सबको भरोसा है, किसी भी पार्टी का नेता हो कोई भी हो, अगर सेना पर भरोसा ना होता तो वो रात में चैन से सो भी ना पाता। तो अभी आप देख रहे हैं, अभी माहौल वो चल रहा है कि आप किसी सरकार के किसी निर्देश का या किसी भी वो जो बात कह रहे हैं उसका आप विरोध करिए, आपको या तो देशद्रोही कह दिया जाता है या आप देखते हैं कि आप सेना का विरोध कर रहे हैं। अभी आपने देखा है कि इतने दिनों से चाइना मतलब एक तरह से हमारी जमीन पर बैठा हुआ है, कई लोगों ने आवाज उठाई तो उनसे कह दिया कि तुम देश यानी कि सेना का विरोध कर रहे हैं। इसमें सेना वाला विरोध क्या है? आज से 2014 से पहले आप भी इनकी बयान उठाकर देख सकते हैं, विपक्ष वालों के, अभी जो पक्ष में है उनके विपक्ष में थे उस समय, तो ये भी यही काम करते थे, लेकिन अब कौन, आप भी जानते हैं। इसमें सरकार का क्या पक्ष है? सरकार के अनुसार कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश के माध्यम से तथा विधेयकों में प्रस्तावित अन्य सुधारों से कृषि क्षेत्र में बड़े सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। सरकार के अनुसार इन सुधारों के बाद भी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP प्राप्त होता रहेगा और राज्य कानून के तहत स्थापित मंडियों में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ये सरकार जो अभी कह रही है वहां से बैठकर, यही वहां के किसानों को जहां आंदोलन हो रहे हैं, सभी किसानों को मुझे लगता है कि एक तरह से भरोसे में जीत कर कोई भी कानून लाइए, कोई विरोध नहीं करेगा आपका। आगे की राय क्या हो सकती है? कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने के साथ एपीएमसी की पहुंच में विस्तार हेतु आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए। सरकार द्वारा ई नाम जैसे नवीन प्रयासों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में ई ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कृषि उपज पर MSP के संदर्भ में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, आप जानते हैं हरित क्रांति का जनक माना जाता है स्वामीनाथन को। तो ये कहानी थी पूरी आपकी। एक बात और आपसे बोलूंगा, देखिए सरकार के बारे में कितने भी गलत मैं फैक्ट बताता हूँ या कितनी भी सच्चाई बताता हूँ, आप जब भी आंसर राइटिंग कर रहे हो या निबंध लिख रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं, तब इन फैक्ट को कम ही आप शामिल किया करिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं
कि हकीकत कुछ और होती है और हमें लिखना कुछ और होता है, हमें पूरा बैलेंस बनाकर लिखना होता है। या ना तो हमें सरकार के बारे में अगर लिखने के लिए आया तो ना तो हम सरकार की अच्छाई भर देंगे और ना ही बुराई बुराई, एक दोनों का बैलेंस बनाएंगे और लास्ट में अपने विचार भी रख देंगे। ठीक है, तो बड़े अच्छे ध्यान से रखा करिएगा, मालूम चला कि आपने सरकार की पक्षी पक्ष रख दिए, अच्छाई अच्छाई बुराई करना भूल गए। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी काम होता है तो उसमें लाभ भी होता है हानि भी होती है, कोई भी आदमी होता है उसमें बुराई भी होती है अच्छाई भी होती है। ठीक है, दोनों का बैलेंस बनाना है।